आज का हमारा यह वीडियो लखनिया दरी मिर्जापुर वाटरफॉल का है। आप सीधे देख पा रहे हैं यह मनोहर सुंदर विहंगम दृश्य। यहाँ का बहुत ही बढ़िया बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारा है, यहाँ का मन मोह लेने वाला दृश्य। और यहाँ पर जो भी लोग आए हैं एक बार तो ज़रूर अपने आप को रोक नहीं पाए, मंत्र मुग्ध हो चुके हैं यहाँ पर। और देख पा रहे हैं यहाँ पहाड़ियों का झुंड, छोटा छोटा सा पहाड़ियों के बीच से ये वृक्ष निकल कर देख रहे हैं, मानो ये प्रकृति का एक खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पहाड़ियों का छोटा छोटा सा झुंड यहाँ पर एकत्रित है। और ये यहाँ पर कुछ लोग भ्रमण करते हुए, कितना विहंगम दृश्य। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं सीधे माननीय हरिओम सर के पास। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे ये हरिओम सर सीधे चले आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रेमी जोड़ा भी मौजूद है। आप देख पा रहे हैं सीधे कि वहाँ पर आप दिखाई दे रहा है एक छोटा सा मचान जैसा, जो बैठे थे अभी वो डिस्टर्ब हो चुके हैं हम लोगों के कारण। जी हरिओम सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के दृश्य के बारे में, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी सर ने बताया कि प्राकृतिक सुंदरता पानी को चारों तरफ चट्टानों से घेरे हुए है। जी जी जी, और बिल्कुल सर, यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 फीट ऊपर से जो है झरने का पानी गिरता अच्छा है। अच्छा अच्छा, जी सर जी सर। नीचे जो है क्या नाम है, ये चट्टानों से होकर गुजरता है जी। तो यह बहुत ही मनोहारी दृश्य है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हाँ, तो जैसा आप सुन पा रहे हैं कि हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य है, यहाँ पर चट्टानों का और ये पानी के बीच की आँख मिचौलियाँ हो रही हैं, कोलाहल हो रहा है झरनों का। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश सर। जी ब्रजेश सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के दृश्य के बारे में? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। यहाँ की अप्रतिम छटा को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। जी सर जी सर, कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है कि इसे घाटी कहें कि झरना कहें। जी सर जी सर जी सर, बिल्कुल पिकनिक स्पॉट कहें, ये कुछ कह नहीं सकते। ये आपका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सभी का समावेशित रूप है। जी, जिस तरह से झरना, पिकनिक और आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी सी नेचुरल पहाड़ियों का दृश्य, सभी का मिक्सिंग रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं अपने साथ मौजूद राजेंद्र भाई, जो कि हमारे कार चालक हैं। चलिए जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ गुरु जी देखने में बहुत कुछ है। जी जी जी, उसके बाद जो है यहाँ पानी के झरनों का बहुत सुंदर जगह है। जी 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 जी, बिल्कुल। और वन जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ, पहाड़ भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा आप सुन पा रहे हैं कि हमारे राजेंद्र भाई साहब बता रहे हैं कि इनको भी यहाँ की प्रकृति से बिल्कुल लगाव हो गया है, प्यार हो गया है, स्नेह हो गया है। बहुत ही मधुर दृश्य है यहाँ का, काफ़ी सुंदर और मनमोहक।